तो रिसेंटली मुझे कमेंट्स में ZV-E10 के बारे में पूछा जा रहा था और ये भी पूछ रहे थे कि निकॉन का Z30 को मैंने लिस्ट में क्यों नहीं इंक्लूड किया। दोनों कैमरा सेम कैटेगरी के हैं जो मेनली ब्लॉगिंग के लिए बने हैं, तो हमने सोचा कि दोनों का कंपैरिजन किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले, तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें आगे और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी। निकॉन का Z30 और सोनी का ZV-E10 दोनों ही कैमराज ब्लॉगर्स और क्रिएटर्स के लिए बने हैं जो APS-C सेंसर्स के साथ आते हैं। दोनों में ही हमें स्टीरियो माइक्रोफोन देखने को मिलता है जो इस रेंज के कैमराज में काफ़ी अच्छी क्वालिटी रिकॉर्ड करके देते हैं, और दोनों में ही हमें ना ही व्यू फाइंडर मिलता है और ना ही बिल्ट इन फ्लैश देखने को मिलता है, और दोनों में ही इमेज स्टेबलाइजेशन भी नहीं मिलती। अगर दोनों ही कैमरास के वीडियो स्पेसिफिकेशन देखें तो दोनों ही 4K 30 फ्रेम्स पर शूट कर सकते हैं और फुल HD वीडियो 120 फ्रेम्स पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो स्लो मोशन के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन ZV-E10 30 फ्रेम्स और 120 फ्रेम्स पर वीडियो क्रॉप कर देता है और Z30 कोई क्रॉप नहीं करता। दोनों ही कैमराज में हमें थोड़ा बहुत रोलिंग शटर की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। दोनों कैमरा लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ZV-E10 थोड़ा बेटर रिजल्ट देता है लो लाइट कंडीशंस में। आजकल जितनी इम्पोर्टेंट वीडियो है उतना ही इम्पोर्टेंट है ऑडियो, इसलिए दोनों ही कैमरा में इनबिल्ट स्टीरियो माइक मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ZV-E10 का विंडस्क्रीन कैमरे के साथ ही आता है, लेकिन Z30 के लिए तुम्हें अलग से खरीदना होगा। दोनों ही विंडस्क्रीन कैमरे के फ्लैश हॉट शू में लगते हैं। निकॉन का विंडस्क्रीन कोल्ड शू के साथ आता है जो कि ज़्यादा यूजफुल है अगर और भी एसेसरीज माउंट करना हो, जैसे LED लाइट। और सिर्फ सोनी में ही हमें हेडफोन जैक का सपोर्ट मिलता है जो कि ऑडियो मॉनिटरिंग के काम आता है। वैसे ये फीचर हर कोई यूज़ नहीं करता। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, दोनों ही कैमराज APS-C सेंसर्स के साथ आते हैं। ZV-E10 में 24 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है और वहीं Z30 में 20.9 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जिसको हम 21 मेगापिक्सल भी बोल सकते हैं। दोनों ही कैमरा ना ही व्यू फाइंडर के साथ आते हैं और ना ही इनबिल्ट फ्लैश के साथ आते हैं, तो ये दोनों ही कैमरा मेनली फोटोग्राफी के लिए तो नहीं बने, लेकिन फिर भी दोनों ही कैमराज काफ़ी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। दोनों ही कैमराज कंटिन्यूस शूटिंग पर 11 फ्रेम्स पर सेकेंड शूट कर सकते हैं। 6 लेंस जैसे कुछ अच्छे प्राइम लेंस के साथ पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छे आ जाएंगे, जिनमें काफ़ी अच्छा बोके देखने को मिल जाएगा। वैसे कोई भी इसको सिर्फ फोटोग्राफी के लिए तो नहीं लेगा। ऑटो फोकस में ZV-E10 थोड़ा आगे है Z30 से। सोनी के ZV-E10 में 425 फोकस पॉइंट्स मिल जाते हैं और वहीं निकॉन के Z30 में 209 फोकस पॉइंट मिलते हैं। सोनी का सब्जेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली फेस और आई को ट्रैक कर लेता है, और वहीं निकॉन का ऑटो फोकस ट्रैकिंग सोनी जितना फास्ट नहीं है। निकॉन के Z30 में फेस आई डिटेक्शन सिस्टम और ट्रैकिंग मोड अलग हैं, मतलब फेस पर फोकस करना है तो ट्रैकिंग मोड बंद करना पड़ेगा। वैसे तो दोनों ही कैमरास के वीडियो स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन अगर हम दोनों के फुटेज देखेंगे तो देखने में दोनों काफ़ी अलग लगेंगे, और इसका मेन रीज़न है सोनी का पिक्चर प्रोफाइल जो कि हमें सोनी के प्रो वीडियो कैमरास में देखने को मिल जाता है और जिसकी मदद से पोस्ट प्रोसेसिंग में काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरी तरफ निकॉन के Z30 में हमें फ्लैट कलर प्रोफाइल देखने को मिलती है, जो सोनी जितना प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन फ्लैट प्रोफाइल में काम करना ईजी और क्विक है। अब कैमरा लिया है तो लेंस भी कभी ना कभी अपग्रेड करोगे ही, क्योंकि किट लेंस तो हर जगह काम नहीं आएगा। अगर किट लेंस को कंपेयर करें तो निकॉन का Z30 का किट लेंस ज़्यादा अच्छा है ZV-E10 से, और अगर हम लेंसेज में वैरायटी की बात करें तो सोनी के पास ज़्यादा वैरायटी है, क्योंकि सोनी निकॉन से पहले से ही मिररलेस कैमराज बना रहा है, और सोनी के थर्ड पार्टी लेंसेज में भी काफ़ी वाइड वैरायटी मिल जाती है। और वहीं निकॉन की बात करें तो निकॉन को मिररलेस की फील्ड में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इसलिए भी निकॉन के लेंसेज में वैरायटी इतनी नहीं मिलेगी, और थर्ड पार्टी लेंस भी वही मिलेंगे जो निकॉन खुद नहीं बनाता, क्योंकि मोस्टली थर्ड पार्टी लेंसेज सस्ते होते हैं, तो निकॉन नहीं चाहेगा कि उनके लेंसेज की जगह तुम थर्ड पार्टी लेंसेज लो। मिररलेस कैमराज में बैटरी का इशू रहता ही है,
क्योंकि जितनी बॉडी कॉम्पैक्ट होती जाती है उतना ही बैटरी का साइज़ भी छोटा हो जाता है और इसलिए बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो इन कैमरास के साथ तुम्हें एक्स्ट्रा बैटरी तो रखना ही होगा। ZV-E10 हमें 440 शॉट्स दे देता है सिंगल चार्ज पर, और वहीं निकॉन का Z30 330 शॉट्स ही निकाल पाता है सिंगल चार्ज पर। तो ZV-E10 की बैटरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है Z30 से, और दोनों ही कैमरा टाइप सी केबल को सपोर्ट करते हैं चार्जिंग के लिए, और निकॉन का कहना है कि Z30 फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। दोनों ही कैमरा में वाईफाई और ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से तुम डायरेक्टली अपने स्मार्ट डिवाइस में फोटोज़ और वीडियोस को ट्रांसफ़र कर सकते हो। और दोनों ही कैमरा में वेबकैम का फीचर मिल जाता है, तो दोनों ही कैमरास को पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके वेबकैम की तरह यूज़ किया जा सकता है। मैंने पहले भी बोला था, कोई भी कैमरा परफेक्ट नहीं है और ना ही कभी होगा, क्योंकि हर कैमरे में प्रोज भी होंगे और कॉन्स भी होंगे। तुम्हें अपने नीड के अकॉर्डिंग देखना है कौन सा कैमरा तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। यहाँ भी दोनों कैमराज में कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। जैसे सोनी का ZV-E10 का ऑटो फोकस सिस्टम अच्छा है लेकिन वीडियो क्रॉप हो जाती है, और वैसे ही निकॉन के Z30 में वीडियो क्रॉप नहीं होती लेकिन सोनी जैसा पिक्चर प्रोफाइल नहीं मिलता। तो किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है और किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो क्रॉप नहीं चाहिए और वीडियो के साथ फोटोग्राफी भी करनी है तो Z30 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और अगर सोनी का पिक्चर प्रोफाइल चाहिए जिससे काफ़ी अच्छे सिनेमैटिक लुक मिल जाते हैं और अच्छा ऑटो फोकस भी चाहिए तो सोनी का ZV-E10 के साथ जाना सही रहेगा। वैसे ये साल ख़त्म होने वाला है और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हमें दोनों के ही अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिल जाएं। तो दोनों कैमरा में से तुम्हारी कौन सी चॉइस होगी, या तुम्हें कोई दूसरा कैमरा बेटर लगता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।